मैं वो सिखाऊंगी दो बिल्लियों का झगड़ा, ठीक है? तो सुनिए, दो बिल्लियां एक रोटी का टुकड़ा चुरा लाई और अपने भाग के लिए झगड़ने लगी। दोनों बंटवारे के लिए बंदर के पास गई। बंदर ने रोटी के दो टुकड़े किए तथा अपने तराजू में दोनों ओर एक ही टुकड़ा डाला। जिस ओर से पलड़ा भारी होता, बंदर उसी की ओर से बड़ा सा टुकड़ा काट कर रखा जाता। इस प्रकार करते रहने से अंत में तराजू में छोटा सा टुकड़ा बच गया। बंदर उसे भी यह कहते हुए खा गया कि यह तो मेरे श्रम का फल है, और भाग गया। बिल्लियां निराश होकर लौट गईं। तो इससे हमें क्या संदेश मिलता है कि हमें झगड़ने से हमेशा निराशा ही प्राप्त होती है, ठीक है बच्चों? जब दो बिल्लियां आपस में लड़ रही थी तो उनके लड़ाई को सुलझाने के लिए कौन आया था? एक बंदर आया था। और उस बंदर ने क्या किया? तराजू में रोटी के टुकड़े को रख लिया और जहाँ पर भी पलड़ा भारी हुआ उसने उसको खाना शुरू कर दिया। अंत में छोटा सा टुकड़ा बचा, उसको वो कह के खा उसने खा लिया कि ये तो मैंने काम किया, उसका परिणाम है। तो इससे वो खाकर उसको भाग गया। तो इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है कि हमें कभी भी लड़ाई में ऐसा फैसला लेना चाहिए ताकि हमें निराशा हमारे हाथ में लगे, ठीक है बच्चों?